मतलब
लाखों साल लग जाते हैं इन डेड बॉडीज को, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो, और फिर वो जो है इट गेट कन्वर्टेड, अब वो बदलती है, कन्वर्ट होती है बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल्स। और वो फ्यूल्स मतलब समझो कि जो हम लोग कोल, पेट्रोलियम, जो हम अपनी गाड़ी में पेट्रोल यूज करते हैं, दैट इज दैट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, एंड वो बनता कहाँ है, बरी अंडर द अर्थ, इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स फॉर गेटिंग कन्वर्टेड, कन्वर्ट होने में किस चीज में, हीट एंड प्रेशर, और इसी हीट एंड प्रेशर से हमें मिलता है फॉसिल फ्यूल, किस फॉर्म में, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के फॉर्म में, क्लियर। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर है आपका, अब देखो यहाँ पे ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये दोनों क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस फॉसिल फ्यूल्स है, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी हुई है, ठीक है, तो ये डिटेल्स हम अभी बाद में करेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं। आप ये देखो फायरवुड के बारे में दिया है, कोल के बारे में है, हाइड्रल पावर के बारे में है, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले हम एक समझते हैं किसको, हम एक एक करके समझते हैं कोल को, ठीक है। अब क्या है, देखो बेटा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो एक तो आपने देखा कि लॉन्ग टाइम से जो हम यूज करते आ रहे हैं, नंबर टू आपने एग्जाम्पल देखा कि फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स, नंबर थ्री द रिजर्व ऑफ दिस मिनरल्स, ये जो मिनरल्स हैं इसका जो रिजर्व है वो बहुत लिमिटेड है, आपने देखा कि इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू गेट कन्वर्टेड इनटू हीट एंड प्रेशर, क्लियर, तो इसको बहुत टाइम लग गया, और उसके बाद इसके जो रिजर्व है वो भी लिमिटेड है, कैसे लिमिटेड है, द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग, कंजम्पशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है फॉर्मेशन रेट से, यही तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, कंजम्पशन रेट इज ग्रेटर दैन रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड इट इज लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून, और ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट मतलब खत्म हो जाना, क्या खत्म हो जाना, फायरवुड, आप ये सब जो कोल आप यूज करोगे तो क्या कोल हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा, नहीं रहेगा, पेट्रोलियम हमेशा के लिए थोड़ी रहेगा, एक टाइम आएगा जब ये खत्म होता जाएगा, क्यों, क्योंकि फिर उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्मेशन में लगता है। तो बात करते हैं कोल, सबसे पहले कोयले की बात करते हैं, इट इज मोस्ट अबंडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स में हमारे पास कोल अवेलेबल है, ठीक। अब इसका यूज है डोमेस्टिक, घर में हम लोग फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में, कौन सी इंडस्ट्री में, आयरन स्टील इंडस्ट्री में कोल का यूज होता है, स्टीम इंजन्स, ठीक है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, कोल का यूज कहाँ होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल इज नॉन एज थर्मल पावर, बेटा मार्क दिस लाइन, व्हाट इज थर्मल पावर, इलेक्ट्रिसिटी दैट इज जनरेटेड फ्रॉम कोल इज कॉल्ड थर्मल पावर, ठीक है, नंबर वन पॉइंट। उसके बाद द कोल विच आर यूजिंग टुडे आर फॉर्म्ड, आपको पता है अभी किसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, वेयर व्हेन जायंट फॉर्म्स एंड स्लैम्स गट बरीड अंडर द लेयर्स ऑफ द अर्थ, जो बहुत विशाल विशाल जो वेजिटेशन से आपकी, ठीक है, वो क्या होती है, वो बरी होती रहती है अर्थ के नीचे उसकी लेयर्स में, तो लेयर बाय लेयर उसके ऊपर अर्थ क्या है, वो मिट्टी चढ़ती जाती है, मान लो कोई एनिमल्स है वो दब गया तो ये लाखों साल में उसके ऊपर कितनी लेयर्स चढ़ती जाएंगी, और वो अंदर ही अंदर क्या हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हीट एंड मतलब कि वो फ्यूल बन रहा है, ठीक है। सो कोल इज देयरफॉर नोन एज बरीड सनशाइन, बरी मतलब दबी हुई सनशाइन, क्यों सनशाइन क्यों, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल के रूप में कोल का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे कि लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, दिस ऑल आर द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स। इंडिया में रानीगंज, छरिया,
झारखंड वाला पूरा बेल्ट है, रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, ये पूरे के पूरे झारखंड में आते हैं। तो हमारे यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन इट इज इन झारखंड। क्लियर? ये कोल की बात तो हो गई, तो कोल से कुछ पॉइंट्स याद रखना, अभी हम कीवर्ड्स जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज क्या है यहाँ पे, पेट्रोलियम। क्लियर? और पेट्रोलियम में क्या है यहाँ पे, द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग। पेट्रोलियम और पेट्रोल में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है? देखो पेट्रोल तो हम लोग जो अपनी गाड़ी में यूज करते हैं, और पेट्रोलियम का मतलब वो सारे प्रोडक्ट्स जो पेट्रोल से बने होते हैं, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम, पेट्रोल एक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो पेट्रोल जिससे हमारी कार्स, हमारी स्कूटी, बाइक, ये सब जितनी भी फोर व्हीलर्स है वो इसी से चलती हैं, बड़ी बड़ी जो व्हीकल्स होती है वो आपके डीजल से चलती हैं, ठीक। तो द ऑयल्स दैट कीप योर साइकिल फ्रॉम स्पिनिंग, ओके, ये तो पेट्रोलियम के बारे में है। अब यहाँ पे देखो, इट अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, एक ब्लैक मोटा सा जो लिक्विड है, आप यहाँ पिक्चर में देखो ये क्रूड ऑयल है, क्लियर, यानी कि आपका पेट्रोल है। इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स। अब देखो बेटा, पेट्रोल को बताओगे कि ये ब्लैक लिक्विड तो है, अब ये बताओ कि कहाँ पाया जाता है, फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक, चट्टानों के लेयर्स में पाया जाता है। एंड इट इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरिया। जैसे मान लो कि ये आपका जो है ना, ये पानी वाला हिस्सा है, कोस्टल एरिया है, ठीक है। इस कोस्टल एरिया में, और ये आपका जो है मान लो एक तरफ से लैंड एरिया है, ठीक है, ये लैंड एरिया है जिसके ऊपर ऐसे ट्री लगे हुए हैं, ठीक। अब आपको निकालना है पेट्रोल, और आप जानते हो ना कि ये वाला पूरा बेल्ट हमारा क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है भूपर्वती, टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। तो इसके नीचे कुछ लेयर्स होंगे, ठीक है, एक जगह बहुत ज़्यादा चट्टान होगा, बहुत ज़्यादा रॉक्स होंगे, और उस रॉक पे के ऊपर तैरता हुआ आपका होगा पेट्रोल, क्लियर। अब इस पेट्रोल को आपको अर्थ से यहाँ से निकालना है, तो आपको ड्रिलिंग मशीन लगानी पड़ेगी ना, ड्रिल करोगे ना यहाँ पे, तो ड्रिल से, क्योंकि लेयर्स ऑफ रॉक्स में दबी हुई है, बरिड है ना, तो इट इज फाउंड इन द ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। जैसे कि अपना महाराष्ट्र में जाओ तो जो मुंबई खाई है ना, गुजरात में जाओ तो वहाँ पर जो रिलायंस की रिफाइनरी लगी हुई है, तो उन सब रिफाइनरी क्यों लगी है, क्योंकि वो लोग ऑयल निकालते हैं, वो ऑयल फील्ड है वहाँ पे, ठीक है। और फिर जब ये यहाँ से ड्रिलिंग कर लेते हैं मशीन से, तो क्या निकला, अंदर से क्या निकला, क्रूड ऑयल निकला। अब उस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है रिफाइनरी से, ठीक है, कंपनियाँ अपनी अपनी रिफाइनरीज लगाती हैं, तो रिफाइन करने के बाद आपको मिलता है पेट्रोल, ठीक है। अब दिस इज देन सेंट टू द रिफाइनरीज व्हिच प्रोसेस द क्रूड ऑयल, जहाँ पे क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है रिफाइनरीज में, एंड इट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। अब यहाँ से प्रोसेस होने के बाद जो आपको पेट्रोल मिला, डीजल मिला, सिर्फ पेट्रोल ही नहीं मिलेगा आपको, डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड ल्यूब्रिकेंट्स, जो आप वैसलीन वगैरह लगाते हो ना, उसी को और रिफाइन करके जो सबसे लाइट लेयर होती है वही हम लोग यूज करते हैं, क्लियर। तो पेट्रोलियम से हम लोग कितना सारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक कोल। तो पेट्रोल के जितने भी हम लोग चीज़ें यूज कर रहे हैं उसको हम ब्लैक कोल कहते हैं, ठीक है। एक हमने वर्ड पढ़ा बरिड सनशाइन, दूसरा हमने पढ़ा ब्लैक कोल, ओके। द चीप पेट्रोलियम, अब देखो कि कहाँ कहाँ पूरे वर्ल्ड में पेट्रोलियम मिलता है, इट इज़ योर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, ठीक है, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं ना वहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है, तभी तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं। हम लोग जब ज़मीन खोदते हैं तो हमें पानी मिलता है, वो लोग जब ज़मीन खोदते हैं तो उनका ऐसा है कि वहाँ पे ऑयल फील्ड्स मिलते हैं। जो दूसरे हैं, तो ये तो गल्फ कंट्रीज की बात हो गई, जो दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स है दैट इज़ यूएसए,
रशिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, अफ्रीका में भी है, यूएसए में भी है, रशिया में भी है। आप देखो ये इसीलिए तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, है ना। हमारे यहाँ पानी को सेल नहीं किया जाता है, अब तो स्थिति आ रही है कि पानी भी बेचा जा रहा है, लेकिन सोचो पेट्रोल क्यों कितना महंगा है, उसको ब्लैक होल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसको निकालने में, उसको रिफाइनरीज और ड्रिलिंग और इन सब में कितना खर्च आता है, ठीक है। पूरे चट्टानों की लेयर से नीचे से निकाला जाता है। इंडिया में अगर बात की जाए तो इट इज डिगोई इन आसाम, आसाम में डिगोई है बेटा। बॉम्बे हाई इन मुंबई, आसाम हो गया, मुंबई हो गया। कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स के जो डेल्टाई रीजन है, ठीक है, उन सब जगहों पे पेट्रोल निकलता है, ओके। अब आपका नेट जो तीसरा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, दिस इज योर नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, नेचुरल गैस कैसे निकलता है, तो जो आपने भी पेट्रोल निकाल लिया, पेट्रोल नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट, तो जहाँ से पेट्रोल निकाले हो उसके ऊपर एक गैस रिलीज होती है जिसको नेचुरल गैस कहते हैं। इट इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपोजिट एंड इट इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जैसे ही क्रूड ऑयल को आप निकालोगे ना, तो उसके साथ नेचुरल गैस भी निकलता है, लेकिन उसको निकालने का अलग तरीका होता है, ठीक है। आप नेचुरल गैस का यूज कहाँ करते हो, आप अपने घर में जो सिलेंडर है एलपीजी वाला, है ना, तो वो क्या है, वो भी गैस है। आप जो देखते हो नेचुरल गैस सीएनजी बसेस जो चलती हैं दिल्ली में चलती हैं, और तो बहुत सारे स्टेट्स में भी चलने लगी है, तो वहाँ पे क्या है, ये सीएनजी से ये बसें वगैरह चलती है, यानी कि डोमेस्टिक पर्पस के साथ साथ इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इसका यूज़ होता है नेचुरल गैस का, ठीक है। अब क्या है, नॉर्वे, यूके और ये सारी कंट्रीज है, जैसे नॉर्वे हो गया, यूके, नीदरलैंड, ये लोग इनके मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस है, यहाँ पे ये लोग यूज़ करते हैं। तो बेटा कंट्रीज में भी याद रखिए कौन कौन सी कंट्रीज है जो नेचुरल गैस का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है, नहीं वो प्रोड्यूस करती है, यूज़ की बात नहीं हो रही, मेजर प्रोड्यूसर्स है, क्लियर हो गया, ओके। इंडिया में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई, जहाँ जहाँ आपने देखा था ना पेट्रोलियम रिफाइनरीज लगी हुई हैं, वहाँ वहाँ से नेचुरल गैस भी निकल रहा है, एक जैसलमेर का नाम आ रहा है, ठीक है। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशियंट नेचुरल गैस रिजर्व्स, बहुत कम ही ऐसे देश है जहाँ पे नेचुरल गैस रिजर्व जो है निकल रहा है, मतलब अपने आप आता है, उसको ये लोग निकालते हैं, ठीक है। द शार्प इंक्रीज, अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में मैंने बताया कि जो कंजम्पशन रेट है फॉसिल फ्यूल्स का वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। आप देख रहे हो इंडिया जो है नंबर 2 पे पॉपुलेशन में चल रहा है, तो यहाँ पे कंजम्पशन रेट ज़्यादा होगा, तो इसीलिए जितने भी कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं वो डिप्लीट हो रही है, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है, एट एन अलार्मिंग रेट, खतरे की घड़ी है ये हमारे लिए, कि अगर ये पूरी तरह से ख़त्म हो गई तो फिर हमारे लिए दूसरा क्या उपाय है, हम एनर्जी कहाँ से जनरेट करेंगे, तब हम अपना पूरा का पूरा जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स की तरफ रहेंगे, और वो क्या है अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। सो बेटा टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स, एक तरफ तो ये है कि कन्वेंशनल सोर्स की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब डिसएडवांटेजेस की लिस्ट बना के आप यहाँ पे लिखो, नंबर वन पॉइंट लिख दीजिए बुक में ही, टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज फ्रॉम बर्निंग, जितने भी टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज होती है इसको जलाने के बाद, कैसे आप फायरवुड जलाते हो तो लकड़ी में इतना सारा वो धुआं निकलता है, घर में आप देखते हैं, है ना, तो इससे क्या है, इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, है ना, इसको रोकना पड़ेगा। अनचेक्ड बर्निंग, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड यूज़ हो रहा है फॉसिल फ्यूल का, जिसकी वजह से मतलब आपको पता है आस्थमा वगैरह की जो सांस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, या फिर बहुत सारी डिजीज हो जाती है इससे, ठीक है। इट लेड, इट दिस हैज लेड टू द कैपिंग ऑफ वेरियस नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे ज़्यादा क्लीनर और इको फ्रेंडली जो है वो है हमारा नॉन कन्वेंशनल सोर्स, ठीक है। तो अभी हम इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज की बात करेंगे, लेकिन अभी कन्वेंशनल सोर्स में एक और एनर्जी बची है, दैट इज योर हाइड्रल पावर, ठीक है। हाइड्रल पावर क्या है कि
पानी से एनर्जी को जनरेट करना, वाटर से आप एनर्जी निकाल रहे हो, यूज कर रहे हो। कैसे? देखो बेटा, रेन वाटर है, रिवर वाटर है, तो इन सबको हमारे यहाँ ट्रेडिशनल से लॉन्ग टाइम से हम लोग डैम्स में पानी को इकट्ठा करते हैं, ऐसे टाइम से ही आप देखते रहते हैं, इसीलिए तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो ये डैम है, देखो ये पिक्चर में दिया हुआ है, ठीक है, ये डैम है। अब क्या हुआ कि यहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है। इस इकट्ठे पानी से यहाँ से इसकी एक ओपनिंग है, ये पानी यहाँ से निकल रहा है और यहीं पे ये टरबाइन लगा हुआ है, ठीक है। इस टरबाइन से, क्योंकि ये पानी बहुत फोर्स से इस टरबाइन को क्या करेगा, मूव कराएगा, इसकी जो इसको कैसे रोटेट कराएगा, इस रोटेशन की वजह से अब क्या होता है, यहाँ पर ये पूरा जो जनरेटर ये पूरा लगा हुआ है। अब ये रोटेशन होने के बाद यहाँ से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जनरेटर लगा है ना, तो ये जनरेट इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा और फिर वायर से, ये जो वायर लगी हुई है इससे ये जाएगा आपके घर, आपके वहाँ पोल से जो है दूसरे दूसरे डिस्टेंट एरिया में, आप देखते हो ना जो पोल्स लगे होते हैं उससे पूरी की पूरी जो है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं वाटर रिजर्वॉयर को हम लोग कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज कर रहे हैं, इसी को कहा जाता है हाइडल पावर। और यहाँ से जो पानी आया था टरबाइन में यूज होने के बाद, यहाँ आगे तो यूज हुआ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, लेकिन जो पानी इधर आया, जो पानी पानी यूज होने के बाद वस्तु पानी आएगा ना, तो ये वाला जो हिस्सा है इसका हम लोग कैनल्स नाले वगैरह बनाने में एग्रीकल्चर में ये वाले पानी का हम लोग यूज कर लेते हैं, इधर वाले पानी का यूज इलेक्ट्रिसिटी में हो जाता है। तो बेटा इतना क्लियर हुआ हाइड्रल पावर में, ठीक है। अब जरा सा हम लोग हाइड्रल पावर में कुछ और चीजें देखिए। अब देखो कुछ और देखोगे तो ऊपर आओ, देखो यहाँ पे लिखा है कि चाहे रेन वाटर और रिवर वाटर इसको डैम्स में स्टोर किया, एक हाइट से पानी गिरता है, फॉलिंग वाटर से पाइप्स जो है डैम के अंदर लगी होती हैं, टरबाइन की ब्लेड्स जो है वो मूव करती है, ठीक है, मूविंग ब्लेड से जनरेटर तक वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, वही प्रोसेस जो हमने अभी आपको बताया, दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और जो वाटर डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने के बाद जो पानी बच जाता है उसको हम लोग कैनल से इरिगेशन में यूज़ कर लेते हैं। तो आप एग्रीकल्चर में भी यूज़ कर रहे हो, इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर रहे हो और अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी यूज़ कर रहे हो। अब इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, तो वर्ल्ड में पैराग्वे, नॉर्वे, ये सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना, देखो ये लोग बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर का यूज़ करते हैं। इंडिया में जहाँ जहाँ डैम बने हैं, भाखड़ा, नांगल जो डैम है, गांधी सागर राजस्थान में जो डैम है, नागार्जुन सागर जो आपका कृष्णा नदी पे जो डैम बना है, दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो झारखंड में बना हुआ है, दामोदर रिवर के किनारे ये सारे डैम्स बने हैं और वहाँ से आप हाइड्रल पावर को जनरेट करते हो गया, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री, पहला देश था नॉर्वे जहाँ से आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई थी, क्लियर। हाइड्रल पावर के बाद तो हमने इतना कुछ पढ़ लिया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इतना तो क्लियर हुआ ना क्लास, ठीक है, कन्वेंशनल सोर्स में हमने इतना कुछ पढ़ लिया। अब देखो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को जब हम शुरू करते हैं पढ़ने के लिए क्या करें, अभी क्या करें, कितना टाइम हो चुका है, 5 मिनट्स लेफ्ट।